जय भीम। और साथ में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आंदोलन आज शिवपुर के अंदर इस प्रकार से कंपनी के मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। ये कच्चा मोटो कंपनी के मजदूर जो लगभग इनका वेतन का मामला कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन उस वेतन के मामले को ही उन्होंने अड़चन समझकर बनाकर कंपनी के लगभग 200 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। और आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन वह आजाद समाज पार्टी के समस्त साथी इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं, और इस प्रोटेस्ट में पहुंचकर आज जो है अपनी बात गेट पर जाकर रखेंगे जब तक कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के मालिकों द्वारा अंदर नहीं लिया जाता है। ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया आप देख सकते हैं। अभी मार्च का महीना खत्म हुआ है, पिछले साल मार्च के महीने से इस देश के अंदर लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन लगने के बाद पूरे देश के अंदर किस प्रकार से भुखमरी आई और किस प्रकार से पूरे देश के अंदर लोग बेरोजगार हुए, आज तक उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। ये सरकार अब आज के टाइम में इस प्रकार से पिछले साल लॉकडाउन लगा कोरोना को लेकर अपनी नाकामयाबी और अपनी विफलता कोरोना की आड़ में छिपा रही है, और आज तक मजदूरों को किसी भी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं दिया गया, मजदूरों को किसी भी प्रकार से कोई रोजगार नहीं दिया गया। तो हम यही चाहते हैं कि पूरी तरह से 200-300 परिवार जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कराई जाए और कंपनी के अंदर इनकी एंट्री ली जाए। जय भीम। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन
बदतमीजी ना करें। अरे भैया ए बडोला जी, सारी तनख्वाह आपको ही दे दी क्या? चलो चलो बेटे चलो यार, आपको आपको सुरक्षित तरीके से ले जाना चाहिए था यार। ना क्या कर यार, आगे बढ़ो। पैसा दे रखा है ना, पैसे दे रखा है। हमारे साथ में जो है, हमारे साथ में इन मजदूरों के बच्चे भी हैं। कपिल कपिल, बच्चों का ध्यान रखो। 5 साल के बच्चे भी हैं, बच्चों का ध्यान रखो। 5 साल के बच्चे जो माँ की गोद में है, अगर कोई भी घटना होगी ना तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और थाना समिति दोनों ध्यान रखो। प्रशासन हम पूरे उनके जवाब में भगत ना करें। बच्चे का मारा पुलिस वाले ने, भैया जी बच्चे का मारा लाठी मारी पुलिस वाले ने, बच्चे का लाठी मारी पुलिस वाले ने। प्रोडक्शन बड़ा खून आप यहाँ पर भी हाथ देखिए। अच्छा मीन के तो आगे ये काम था उनकी मजबूरी समझो। बदतमीजी की बात नहीं है, ये लोग परेशान हैं। आप तो 20-30 हजार रुपए की सैलरी ले रहे हैं आराम से। हाँ तो बस, तो फिर वो लोग सड़क पे पड़े हैं भूखे, उनके बारे में तो सोचा नहीं है। बकवास कर रहे फालतू की। उधर से सबको लेकर आई, सबको यही लेकर, और सब इसमें छाव में फैल के बैठ जाओ। हाँ फैल के बैठ जाओ, इन्हें सबको बैठा दो जो जहाँ है छाव में बैठ जाओ। धूप में केवल पुलिस खड़ी होगी, तुम छाव में बैठो हो क्यों राजेश भाई? तुम मैं केवल पुलिस खड़ी होगी, तुम छाव में बैठोगे तो तुम लोग छाव में बैठो। अरे किस दिन से धूप में बैठे हैं, आज ही तो खड़े हो गए। तुम लोग बैठो बेफिक्र होकर, यहाँ से कोई लगानी बिल्कुल नहीं। किस दिन से धूप में बैठे हैं? कौन है तेरे पास जो बजा? आराम से चुपचाप करके बैठो। अब तुम लोग ने बोला तो छोड़ दे, तू एक दिन भारी पकड़ायो। तो भैया एक ताला ला दे लेकिन इनको यहाँ दोनों गाड़ी, मेरे वाली गाड़ी। अरे एक मोटा सा ताला ला देने लेकिन भाई बैठ जाओ यार। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग अच्छी खासी जानते हैं भलीभांति कि आप लोग कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। करीबन करीबन 3 साल हो गया। क्या किसी ने आपकी सुनी? क्या कोई आपके पास आया जिसको आपने वोट दिया आपके पास बैठा? कोई आया तो ऐसे लोगों को जितना भी नहीं मारते जो गेट पे आते हैं वोट मांगने के लिए, क्या इसलिए वोट देते हैं कि वो हमारे सुधर जाएंगे, हम यहाँ बिठाएंगे? क्यों क्यों लोग और देने काम करते हैं, हम सुनने का काम करते हैं बताइए। अगर आज हम यहाँ लोग बैठे हैं तो कमी कहीं कहीं ना कहीं हमारे लोगों की, जिन लोगों ने सत्ता में बिठा रखा वो लोग हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं। भैया
आज कारगिल के सुन लो सभी। नहीं तो भैया हम तो नौजवान है तो छलांग मार कभी जा सकते।